Hey, hi, what's up guys, Sharad Patil and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. Well, दोस्तों बड़े दिनों के बाद मेरे अंदर का जो फोटोग्राफर है वो अचानक से जाग चुका है दोस्तों, इसलिए आज मैं सोचा एक फोटोग्राफी व्लॉग बनाऊँ. आज हम लोग करने वाले हैं स्टिल लाइफ फोटोग्राफी एंड उसके साथ साथ हम लोग थोड़े लाइट पेंटिंग्स भी ट्राई करने वाले हैं, इसलिए मैं ये लोकेशन चूज़ किया है जो एकदम मस्त लोकेशन है. राइट नाउ आई एम एट वाघोवा टेम्पल. पिछले दो तीन दिनों से एकदम अच्छी खासी बारिश हो गई है दोस्तों, तो यहाँ का जो ग्रास है, जो सॉइल है, एकदम पूरा मॉइस्ट, एकदम गिल्ला हो चुका है. तो स्टिल लाइफ फोटोग्राफी करने में एकदम आसानी पड़ेगी, बिकॉज कभी कभी क्या होता है जब स्टिल लाइफ हम लोग घुमाते हैं तो उसका आग कहीं पर भी उड़ जाता है, वहां पे आग लगने का चांसेस रहता है. तो अभी वो चांसेस तो एकदम 0% हो गए, बिकॉज जो पूरा का पूरा ग्रास है वो गिल्ला हो चुका है. एंड दूसरी बात, मतलब वहां पे दो तीन बड़े बड़े पडल्स बन चुके हैं, तो वो पडल्स के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन ले सकते हैं स्टिल फोटोग्राफी का, और एकदम मस्त हम लोग को शॉट मिलेगा. एंड दूसरी बात, मतलब वो जो पीछे का स्काई लाइन आप देख सकते हो, वो पूरा का पूरा स्काई लाइन के साथ मेरे को यहाँ पर, ये जो लोकेशन है यहाँ पर मुझे स्टिल व्हील घुमाना है, तो कैसे पीछे का स्काई लाइन भी आएगा और स्टिल व्हील भी आएगा. तो ऐसे थोड़े से आइडियाज़ हैं मेरे माइंड में, लेट्स सी हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है. फिलहाल तो मैं थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे सूर्य देवता नीचे जाएंगे अंधेरा हो जाएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का स्टिल व्हील फोटोग्राफी. वेल दोस्तों, आज का जो व्लॉग है उसमें मेरा हेल्प करने वाले हैं ऋषभ एंड वेदांत. दीज आर माई सब्सक्राइबर्स, दे आर फ्रॉम मुलुंड, राइट? दोनों मुलुंड से, राइट? ओके, दे बोथ आर फ्रॉम मुलुंड. इज अ फोटोग्राफर एंड इज अ न्यू व्लॉगर. चैनल का नाम क्या है? वेदांत सवान ब्लॉग्स. ओके, तो इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब लिंक एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो सपोर्ट देम आउट, बिकॉज आज का जो व्लॉग, जो फोटोग्राफी होने वाली है, इसमें इन दोनों मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. तो अभी एकदम मस्त सनसेट हो रहा है, थोड़ा टाइम लैप्स एंजॉय करो, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो. टिल देन मैं थोड़ा वेट करता हूँ, जैसे अंधेरा होगा विल स्टार्ट आवर फोटोग्राफी. ऋषभ इन एक्शन, क्या कर रहा है बड़ी? टाइम लैप्स है. टाइम लैप्स सनसेट तो हो गया, बट स्टिल अच्छा है, मतलब जो क्लाउड्स हैं, जो लाइनिंग मस्त आ रही है. वेल दोस्तों, तो जो टाइम लैप्स आप देखने वाले हो वीडियो में, क्रेडिट गोज़ टू ऋषभ. ओके, जब से मैंने ट्रेकिंग करना स्टार्ट किया, मैं ट्रेकिंग को इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका हूँ कि अब मैं फोटोग्राफी करता ही नहीं. एंड दूसरी बात, मतलब जॉब एंड ऑल ये सब चीज़ों में मेरे को फोटोग्राफी करने को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. बट मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स है वो अभी भी मेरे से फोटोग्राफी रिलेटेड कॉन्टेंट एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज प्रीवियसली माई चैनल वॉज डेडिकेटेड टू फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ये सब चीज़ों के लिए मेरा एकदम डेडिकेटेड चैनल था. बट जब से मैं ट्रेकिंग वाले वीडियोज अपलोड करने स्टार्ट किए, आप लोगों से मुझे इतना प्यार मिला कि मैं अभी फोटोग्राफी करता ही नहीं. इसलिए ये व्लॉग मैं मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ, जो अभी भी मेरे से फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं. सो आई होप मुझे एकदम अच्छे क्लिक्स मिल जाएंगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वेल दोस्तों, अभी अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है, तो आपको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ स्टिल व्हील क्या रहता है. वेल दिस इज़ एक बीटर, ये एक बीटर के अंदर हम लोग ये स्टिल व्हील डालेंगे. ये स्टिल व्हील बोले तो हम लोग मराठी में इसको कात्या बोलते हैं, जो लोकन का जो बर्तन वर्तन साफ करने में यूज़ करते हैं वो है. ये इसके छोटे छोटे चंक्स निकल के हम लोग इसके अंदर भरेंगे, एंड ये रस्सी की मदद से हम लोग उसको घुमाएंगे जलाने के बाद. और जलाने के बाद इसके जो पार्टिकल्स उड़ते हैं जल जल के, उसका जो फोटो आता है एकदम मस्त आता है. तो अभी आपको मैं फटफट करके ही बताता हूँ. वेल दोस्तों, ये जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प रहता है, तो हाथ कटने का चांसेस रहता है. तो अभी मैंने तो ग्लव्स लाया नहीं है, बट जब आप ये हैंडल करोगे तो ग्लव्स से ही, मतलब हाथ में प्रॉपर ग्लव्स पहन के ही करना. एंड ये हाथ से कट बिल्कुल मत करना, सीजर से कट करना. चलो सॉर्टेड. तो अभी हम लोग का बन गया है, ये अभी बस इसको लाइट करके घुमाने का है. तो लेट्स सी दैट. वेल दोस्तों, मैं जा रहा हूँ नीचे स्टिल व्हील घुमाने के लिए. मैंने ग्लासेस पहन लिए, बिकॉज स्टिल व्हील कभी कभी जलने के बाद हवा उड़ जाता है, तो गलती से आँख में उड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट.
तो अभी मैं आपको मेरे कैमरे की सेटिंग्स बता देता हूँ, बड़ी कुंड पकड़। हाँ ओके। सो मेरा जो शटर स्पीड है वो मैंने रखा है बल्ब पे, मेरा जो एपर्चर है वो मैंने f16 रखा है। मैं फोटो क्लिक करने के बाद कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो कर दूंगा। ISO मैं 100 ही रखने वाला हूँ। एंड मैं रॉ पे निकाल रहा हूँ बिकॉज पोस्ट प्रोसेसिंग में जब मैं एडिट करूँगा तो एकदम अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी मेरे को, मैं एकदम अच्छे से एडिट कर सकता हूँ। और मैंने मेरा जो कैमरा है वो ट्राईपॉड के ऊपर प्लेस कर दिया है सो दैट मेरा जो फोटो एकदम स्टिल आएगा। तो अभी मैं जाता हूँ नीचे। नाइट ट्रेकिंग एंड नाइट फोटोग्राफी का यही प्रॉब्लम रहा, देख सकते हो इंसेक्ट इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना, पूरा बैग भर के इंसेक्ट से, बिकॉज वो लाइट को अट्रैक्ट हो जाते हैं और मेरा हेडलैम्प जो है उसके सामने आके घूमते हैं, तो मेरे पूरे आँख के सामने आके वो इंसेक्ट्स, और इतने बड़े बड़े इंसेक्ट्स आप देख सकते हो, ये देखो इतने बड़े बड़े इंसेक्ट है। तो जब मैं ऐसा हेडलैम्प लगा के चलता हूँ तो पूरे मेरे आँख के ऊपर इंसेक्ट आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है। और कोई कोई इंसेक्ट तो ऐसे बड़े से रहते हैं जो काटते हैं, उससे थोड़ा डर भी लगता है। क्लिक कर। ये कीड़ों ने तो अभी हद पार कर दी यार, लगता है इन लोग ने बरसों से लाइट देखी नहीं थी, इसलिए लाइट देख के इतने सारे जमा हो गए एक जगह पे। रेडी वेल, अभी हम लोग का प्लान है कि ये रॉक के ऊपर जाके हम लोग एक फ़ोटो निकालेंगे, तो अभी मेरे को ये रॉक के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। Oh, wonderful! Yeah, it's good. Yeah, man. अच्छा है क्या? अच्छा है। अरे डिफिकल्टी तो काफी ज़्यादा आ रही है फोटोग्राफी करने में, स्टिल फोटोग्राफी करने में, बट लिटरली दोस्तों काफ़ी मज़ा भी उतना ही आ रहा है। पहले दोस्तों मैं जा रहा हूँ पडल शॉट लेने के लिए, लेट्स सी, आई होप मिल जाएगा अच्छा पडल शॉट, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दलदल टाइप चिक्कर है यहाँ पे, कहीं धस ना जाऊँ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, पडल शॉट के चक्कर में मेरे पूरे शू की वाट लग गई यार, पडल शॉट लेना तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज दोपहर को हम लोग ने सोचा था कि एकदम आसान रहेगा, बट कुछ आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे दलदल है, तो पडल शॉट तो हम लोग ने अभी कैंसिल कर दिया है, थोड़ा आगे जाके बोट वाला शॉट लेते हैं। वेल दोस्तों एक चीज़ मैं आपको व्लॉग में बताना भूल गया, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ। जब भी आप स्टील वूल खरीदोगे तो मेक श्योर आप एकदम पतला और फाइन स्टील वूल खरीदना, जितना सॉफ्ट और जितना पतला स्टील वूल रहेगा उतना अच्छे से वो जलेगा और उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड दूसरी बात की ये सारे जो फोटोज़ है वो मेरे इंस्टा आईडी पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, सो जस्ट गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल दोस्तों अभी हम लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है ये फोटोग्राफी करने में, बट जो रिजल्ट आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब मज़ा आ रहा है रिजल्ट देख के, तो मोटिवेशन आ रहा है। अगर रिजल्ट्स ख़राब आते तो पूरा मोटिवेशन उतर जाता, बट अभी इतने अच्छे फोटोज आ रहे हैं तो मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज नाउ इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो आपको पता है क्या करना है, जस्ट लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सबसे इंपॉर्टेंट जस्ट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, बिकॉज मेरा प्रीवियस इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो चुका था इसलिए मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया है, तो जस्ट फॉलो मी ऑन माई न्यू अकाउंट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।